हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेमोज को किस तरह टाइप किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में ये नाम सुन के मेमोज आया होगा कि ये मेमोज होता क्या है। तो आपको पहले ही बता दूं कि मेमोज एक शॉर्ट फॉर्म है मेमो रैंडम इस वर्ड का। जिस तरह हम एड्रेस को ADD इस लेटर में शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, ADD लिखते हैं एड्रेस को, उस तरह ही इस मेमो रैंडम वर्ड को मेमोस MOS इस वर्ड में लिखा जाता है। इसके बाद आपके दिमाग में आया होगा कि इस मेमोस का यूज क्या होता है। तो इस मेमोस का यूज लेटर मैसेज सेंड की तरह होता है। अगर हम किसी को मैसेज सेंड करना है तो अगर कंपनी में किसी सीनियर को अपने सारे एम्प्लॉय को मैसेज सेंड करना है तो सबको सबको एक एक करके तो नहीं भेजेगा, इसलिए वो डायरेक्ट मेमोस तैयार करेगा और उसे ईमेल के थ्रू सारे एम्प्लॉय को सेंड कर देगा। तो मेमोस का यूज एज अ मैसेंजर होता है, एक मैसेज होता है कोई भी सीनियर अपने एम्प्लॉयज को, अपने डिपार्टमेंट जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें भेज सकता है। तो इसका फॉर्मेटिंग किस तरह होता है? तो फॉर्मेटिंग सबसे पहले आता है यहाँ डेट। डेट लिख दीजिए आज की करंट डेट। उसके बाद आता है टू, किसको भेजना है? टू ऑल एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज को भेजना है, इसीलिए ऑल एम्प्लॉयज लिखा है। फ्रॉम किसके, कौन भेज रहा है ये मेमोज? तो मैंने इमेजिनरी सुंदर पिक्चर ले ली है अपने गूगल के CEO। तो फ्रॉम कौन भेज रहा है, उस पर्सन का नाम और उसके बाद कॉमा देके उसकी पोस्ट क्या है कंपनी में, वो वाला आप जिसे अब जो भेज रहा है वो अपने बारे में या अपना नाम और या अपनी कंपनी में पोस्ट लिख सकता है। बाद में सब्जेक्ट, किस लिए वो भेज रहा है, रीजन क्या है मेमोस भेजने का। तो यह है फैसिलिटी अपडेट, मतलब वो कंपनी के फैसिलिटी में कुछ अपडेट हो रहे हैं इसलिए उन्होंने ये मेमोस आपको भेजा है। तो ये होगी मेमोस, तो ये होगा ऊपर का। अब नीचे में आएगा ये मेमोस की बॉडी। तो इसमें यही लिखा है कि हमारे कंपनी में जो किचन था ओल्ड वाला, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसलिए आप उस किचन को आप एक हफ्ते के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो यही इंफॉर्मेशन देने के लिए सुंदर पिचाई ने अपने इम्प्लॉयज को मेमोज भेजा है, ईमेल ईमेल के थ्रू मेमोज भेजा है। तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ ये। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट ओवर द नेक्स्ट वीक फ्यू वीक आवर किचन एरिया विल बी अंडर अ कंस्ट्रक्शन एज वी रिमॉडल। तो वो कहते हैं मैंने आपको इसलिए ये मेमोज भेजा है ताकि आपको पता चले कि कुछ हफ्तों के लिए हमारा जो किचन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, वहाँ काम चालू रहेगा, उसको रिमॉडल करने वाले हैं किचन को। एज आवर कंपनी कंटिन्यू टू ग्रो वी फील इट नेसेसरी टू प्रोवाइड मोर कम्युनियल डाइनिंग स्पेस एंड वी आर ग्रेटफुल टू आवर फैसिलिटी टीम टू देयर हार्ड वर्क इन मेकिंग दैट हैपन। वो कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनी जिस तरह ग्रो कर रही है उससे हमें हमारे डाइनिंग जो स्पेस है उसे बढ़ाने की जरूरत है। तो फैसिलिटी टीम जो हमारी है वो हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हम उनके थैंकफुल हैं। और बाद में इफ यू हैव क्वेश्चन और कंसर्न रिगार्डिंग टू रिमॉडल यू यू कैन एक्सेस द फुल रिपोर्ट हियर। इन द मीन टाइम वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप उस जानकारी को ले सकते हैं और जो आपको तकलीफ हो रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इन बिटवीन द वीक ऑफ जून 26, मतलब ये डेट डे है या डेट चाहिए थी, वीक्स कह सकते हैं, यहाँ पे डेट चाहिए थी, मतलब ये परफेक्ट हो जाता यहाँ पे डेट। इन बिटवीन द डेट ऑफ जून 26 टू जून 33 प्लीज यूज किचन ऑन द सेकंड फ्लोर। इफ यू नीड अ माइक्रोवेव वी विल आल्सो कीप दैट किचन स्टॉकेड पर यूजुअल विथ स्नैक्स एंड सोडा। वो कह रहे हैं कि जून 26 से जून 33 तक आप ऊपर जो सेकंड फ्लोर पर किचन है उसका यूज कीजिए,
और आपको अगर माइक्रोवेव की जरूरत होगी तो उसके भी व्यवस्था हमने कर दी है, और तो आप उसका ही उसको भी यूज कर सकते, वहाँ स्नैक्स और सोडा भी रखा है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपने जो कोऑपरेशन किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ही मेमोस तैयार किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।